बल्लेबाजों ने एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड एक से आगे बढ़कर जा पहुंचा 34 पर। यह चौथा ओवर तीन गेंदों का खेल अब तक पूरा किया गेंदबाज सतीश ने। पहली दो ओवर अगर हम देखें तो पहले दो ओवर में 20 रन आए थे, पहले ओवर में 14 आने के बावजूद वहां से थोड़ा सा बांध के रखा, अच्छी गेंदबाजी उसके बाद देखने को मिली। सतीश राजभर अच्छी गेंद, फिर से एक बार खूबसूरत गेंद, विकेट वहां पर मिली, शोएब को वापस लौटना होगा, शोएब के विकेट का पतन। थैंक यू। विजयासाठी 8 बॉल आणि 8 चेंडू मध्ये 17 रनची गरज आहे अजूनही जिंकण्यासाठी। वसई फाटा प्रीमियर लीग सीझन 3 आपण पाहतात की दर्जेदार स्पर्धा, 8 चेंडू आणि 8 चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज। सतीश फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे। अब तक 4 गेंदें समाप्त हुई, इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, विकेट कीपर इस गेंद के नीचे लपक लिया इस कैच को और एक सफलता यहां पर दर्ज की। अब सतीश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अब वो सतीश रंग में नजर आ रहे जो सतीश इसके पहले हमने काफी मुकाबले में देखा है, तो वो सतीश अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर दिखाते हुए। विकेट मिला, विकेट के साथ एक गाना सुनेंगे। सात चेंडू आणि विजयासाठी आपण पाहतात अजूनही 17 धावांची गरज आहे, चांगली बॉलिंग मैदानाच्या आत सतीश। मी म्हटल्याप्रमाणे या खेळाडूकडे भरपूर क्षमता आहे, अनुभव देखील या खेळाडूकडे आहे आणि त्याचा कुठेतरी आज मात्र पुरेपूर समाचार। शेवटचा बॉल फटका तर चांगला आहे, चेंडूला फिरकावला आहे, इथे चेंडू आपण पाहतात काय इशारा येईल पंचाच्या माध्यमातून, विकेटचं पतन होईल, फलंदाज बाद होईल। हॅट्रिक देखील, हॅट्रिक देखील मैदानाच्या आपल्याला पाहायला भेटतंय, चांगली बॉलिंग सतीश मार्फत, सलग 3 चेंडूवरती 3 विकेट आणि हॅट्रिक इथे साधली गेली सतीशच्या नावावरती। हॅट्रिक जरूर नोंदवली जाईल या स्पर्धे दरम्यान, येणारे 6 बॉल आहेत आणि 6 बॉल मध्ये गरज आहे 17 रनची। डीजे